और मैंने ये भी सुना है कि आने वाले कस्टमर को जो चाहे वो फ्री दी जाती है। वो हमारा एक वेलकम स्टाइल है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नुमान रज़ाक यूट्यूब चैनल। तो यूरोप सीरीज़ ख़त्म करने के बाद अब वारशावा में जो है, वारशा में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसका टाइटल है हलाल इन वारशा। क्योंकि आपको पता है कि एज अ मुस्लिम ब्रदर्स और जितने भी यहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है वो हलाल फूड को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इस हवाले से हमने एक रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बनाई है और आज जो पहला रेस्टोरेंट है जिसको हम विज़िट करेंगे वो है हमारे पास कराची रेस्टोरेंट, जैसा कोई आपको पीछे नज़र आ रहा है। चले, साजिद भाई ने कॉल करके हमें बुला लिया क्योंकि वो आ गए हैं। चलते हैं साजिद भाई और शरियार भाई से और पूछते हैं जी उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। अब इधर ही बैठ के कर लेते हैं बात, अभी जो भी बात करनी है। हम वैसे यहाँ पर चेक करने को आए हैं आपका फेमस क्या, आपका फेमस क्या है? फेमस आज आपको बहुत सारी डिशेस है, शेरी भाई भी इंट्रोडक्शन कराएंगे। मेन ये रेस्टोरेंट को देखते हैं, वेलकम करते हैं आपको कराची रेस्टोरेंट। इधर प्लीज विजिट करें, हलाल फूड अवेलेबल है और बहुत मजे का खाना है। सबसे कम प्राइस पर हमारा जो आने का मकसद है ना, क्योंकि हर रेस्टोरेंट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। हमारे यहाँ पर हम बैठ के बात करते हैं, बताते हैं जी कि क्या यहाँ पर जो है। सबसे पहले वारशा के मौसम के बारे में तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये कंफर्टेबल है इधर? ठीक है, कंफर्टेबल है। वारशा के मौसम में जब हम घर से निकलते हैं तो हम यही सोचते हैं कि आज धूप है, और कभी कभी कोट घर छोड़ आते हैं और कभी पहन लेते हैं, मौसम का नहीं पता चलता। कहीं को यहाँ क्या कहेंगे मौसम के बारे में? अभी तो आपने वर्षों का मौसम प्रॉपर्ली देखा नहीं है क्योंकि इधर अभी बारिश हो रही होगी, बाद में आपको लगेगा बर्फ पड़ी है, फिर बारिश शुरू हो जाएगी, बर्फबारी निकल आएगी। बर्फबारी का एक्सपीरियंस इंशाल्लाह हम एक महीने बाद करेंगे। बर्फबारी का मेरा एक्सपीरियंस है पोलैंड में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी तो बस हो गई है, मैं तो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। चले जी, अब इतना बड़ा मैंने आपका ये देखा है, पढ़ा भी है इसको, चले इसको मैं एक साइड पर रखता हूँ। आपसे पूछता हूँ कि हर रेस्टोरेंट की एक ना एक स्पेशलिटी होती है कि यार ये यहाँ का फेमस है, आपके रेस्टोरेंट की क्या स्पेशलिटी है जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? हमारे रेस्टोरेंट पे हम एक सिर्फ एक दिन फ्राइडे वाले दिन हम बनाते हैं दम बिरयानी। फ्राइडे वाले दिन दम पुख्त बिरयानी, दम पुख्त बिरयानी टाइप हम बनाते हैं, और वो बहुत ही मतलब एक लिमिटेड कस्टमर के लिए बनाते हैं, क्योंकि हमारे पोलैंड में पोलिश कस्टमर भी हैं और हमारे लोकल देसी लोग भी हैं। देसी लोग जो है वो हमारे अपना ट्रेडिशनल स्टाइल से खाते हैं, ट्रेडिशनल स्टाइल से। तो जो हमारा जो दम बिरयानी है, जो हम उसको दम बिरयानी कहते हैं, वो हम पोलिश बंदे को सेल ही नहीं करते। अच्छा शरीफ भाई, ये तो फ्राइडे के लिहाज से आपने मेन्यू बता दिया ना कि फ्राइडे को दम पुख बिरयानी या दम बिरयानी आप बनाते हैं, बाकी यानी कि सिक्स डेज में क्या क्या जो चलता रहता है जो आप स्पेशली यहाँ पर बिकते हैं आप लोगों का? हमारे सबसे फेमस जो अमंग पोलिश पीपल है बटर चिकन, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला और पनीर मसाला। इसके अलावा हम देसी लोगों के लिए चिकन कढ़ाई है और हम कस्टमाइज़ भी कर देते हैं उसको अकॉर्डिंगली, कि अगर इंडियन स्पाइसी बनानी है, पाकिस्तानी स्पाइसी बनाना है, सही, तो हम उसको कस्टमाइज़ कर देते हैं अकॉर्डिंगली स्पाइसेस के, ताकि वो उनको सूटेबल रहे। आज फिर हमारे लिए क्या स्पेशल है, जिस मकसद के लिए हम आए हैं और जिस मकसद के लिए हम ये बना रहे हैं, तो हमारे लिए आज आपने क्या स्पेशल है अरेंज किया है? आप आए हैं आज फ्राइडे को और आज हमारे पास फॉर्चुनेटली बिरयानी पड़ी हुई है, तो आज आपको हम बिरयानी खिलाएंगे। नहीं, इसी वजह से क्योंकि वलीद भाई को जो है बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने कहा था कि जाना हमने यानी कि फ्राइडे को ही है। मैंने कहा फ्राइडे को क्या खास बात है? कहता कराची वालों की जो बिरयानी है ना, वो फ्राइडे को जो है वो खास बिकती है और वो स्पेशल तौर पर जो है ना वो बनाते हैं। और बिरयानी के साथ दूसरा आप यानी कि आप क्या यानी कि हमने आपके लिए बिरयानी के साथ एक हमने कोरमा जो है वो मटन कोरमा आपके लिए, जो लैम कोरमा देसी लोगों का, देसी लोगों का जो ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जो देसी लोग ये पसंद करते हैं उसमें अब मैं इंग्रेडिएंट्स अगर आपको बताऊं तो इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह के हैं कि हम देसी लोगों के लिए स्पेशल एक मसाला जो है ना वो हम डिफरेंट स्पाइसेस यूज़ करते हैं उसमें। नहीं, ये तो ना इंडियन, ये तो टेस्ट देख के पता चलेगा कि पाकिस्तान खाने वाली फील आ रही है कि नहीं आ रही। ये आप खाएं तो आपको पता चलेगा, सही है। ये खाने के बाद ही बंदा एक रिव्यू दे सकता है कि भाई। ये मैंने एक बात सुनी थी आपकी, माजरत बात काटो, कि कराची रेस्टोरेंट बाकी तमाम रेस्टोरेंट के लिए सबसे ज़्यादा सस्ता खाना प्रोवाइड करता है। इस बात में सदाकत है, ये जब मैं आ रहा था मैंने लोगों से पूछा था ना,
इसको रिव्यू करने से पहले तो क्या इस बात में बाकी से बात करें? बिल्कुल, आप हमारा प्राइस चेक कर सकते हैं, आप इसका प्राइस का शॉट ले लें, आप इसके प्राइस चेक करें। हमारा जो नान है गार्लिक नान वो अभी भी 10 रुपये का है, लेकिन अगर हमारा कोई स्टूडेंट आता है जो हमारा देशी कम्युनिटी का इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, बांग्लादेशी है, उसके लिए हमारे प्राइस फिर भी उस पर भी 20% ऑफ है। और मैंने ये भी सुना है कि आने वाले कस्टमर को जो चाहे वो फ्री भी देते हैं। वो हमारा एक वेलकम स्टाइल है। शरीफ भाई, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताएं, ताकि क्योंकि ये खास तौर पर जो ब्लॉग हम बना रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो पुलैंड में मौजूद है लेकिन उनको पता नहीं है लाल रेस्टोरेंट। तो आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, कहाँ पर ये एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है इस रेस्टोरेंट की? ये जगह लोकेटेड है याना बितनारा रोडेजो 440 मोगतोफ के अंदर है, और वोस्का स्टॉप से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले वलीद से पूछते हैं जी, जुमे का जुमा लगाया हुआ था, तो क्या है जी जुमे के लिए आप किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं? वो थी बिरयानी। बिरयानी, क्या नाम है इसका? ओके, तो ये इनकी फेमस चिकन दम बिरयानी। ऑर्डर की है लेकिन मुझे यहाँ बिरयानी इतनी पसंद नहीं है, पुलाव पसंद है, लेकिन मैंने अपने लिए यहाँ का जो दूसरी फेमस चीज़ है मटन, तो ये मैंने मटन कोरमा, मटन कढ़ाई, क्या बोलो, मटन कोरमा या मटन कढ़ाई जो है वो मैंने ऑर्डर किया। क्योंकि यार मैम फर्स्ट टाइम जो है ना फूड व्लॉगिंग करने लगा हूँ, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो तो कोई गलती हो जाए तो यार माजर। उसके बाद यहाँ पर हमने फेमस यहाँ की बटर नान लगवाया यहाँ पर, और सबसे सस्ती रोटी अगर आपको मिलनी है ना तो यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि हमने पूरी जगह चेक किया था 12 रोटी 13 रोटी का, और ये हमें ऑलमोस्ट 4 रोटी या 5 रोटी में पड़ रही है, ठीक है। और उसके साथ इसके बगैर तो यार मैं रह भी नहीं सकता। और सबसे फेमस यहाँ का रायता, काफ़ी थिक रायता नज़र आ रहा है, चले अब टेस्ट, सलाद मिक्स है, चले अब चेक करते हैं फिर बताते हैं। सबसे पहले हम ये ट्राई कर लेते हैं। पीछे एक कुछ दोस्त आए हुए हैं, चलें उनसे जाके थोड़ी सी बात करते हैं जी कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़त हो तो आप इंटरव्यू ले सकते हैं? ज़रूर सर। सबसे पहले बताएं किधर से हैं? मैं पाकिस्तान से। फिर एक जफ़ी बात पहले। अच्छा, क्या आप रेगुलर कस्टमर हैं इनके? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं फर्स्ट टाइम इनका रेस्टोरेंट कहीं और था ब्रांच, तो उस ब्रांच में मैं इनका दोस्त बना और इनका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मैं फिर रेगुलर, अब मेरा घर यहाँ से दूर है लाइक 14-15 किलोमीटर। अच्छा, मींस 15 किलोमीटर करके आए हैं? मैं आता हूँ लाइक वीकेंड पे आते हैं कि ऑलमोस्ट रेगुलर लाइक आफ्टर 2 डेज और समथिंग। तो सबसे इनकी स्पेशल क्या है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? जुमा भी है पर्सनली, बट मुझे जो है वो इनकी कढ़ाई चिकन जो है, चिकन कढ़ाई पाकिस्तान स्टाइल जो है, मुझे वो देसी स्टाइल वो पसंद है। तो बाकी पाकिस्तानी स्टाइल आता है, फील होता है, बिल्कुल आता है। आप स्पाइस उसका जो आपको टेस्ट जो पाकिस्तान में मिलता है वो आप यहाँ को इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो ऑडियंस को क्या सजेस्ट करेंगे कि विजिट करें यहाँ पर? डेफिनेटली डू कम विजिट देम, दे गिव like complimentary chai as well, like you know tea as well, and you know like they even give like mango lassi as well. वाकई सस्ता है अगर बाकी रेस्टोरेंट की बात as compared to other restaurants, it is like little bit cheap, but you know like it's the quality of food quality is you know is really good. So Adil bhai, thank you so much. क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आज? मैं स्टूडेंट हूँ और साथ मैं उबर चला रहा हूँ। उबर चला, पार्ट टाइम जॉब के वजह से मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। उबर का एक्सपीरियंस ठीक है यहाँ पर? उबर डिपेंड ऑन लाइक हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन उबर लाइक व्हाइल डूइंग इट, बट लाइक इफ यू डोंट इफ यू वांट टू डू लाइक पार्ट टाइम इट्स बेटर टू डू लाइक उबर फूड, बट इफ यू वांट टू डू फुल टाइम इट्स बेटर टू टैक्सी। और स्टडी क्या कर रहे हैं? स्टडी मैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। कहना जी, जो है पार्ट टाइम जॉब्स के वाले से ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उबर के हमारे सामने जिंदा मिसाल मौजूद है, तो ये लिंक पर क्लिक कीजिएगा और पार्ट टाइम जॉब्स के वाले से आपको मिल जाएगा। शुक्रिया सर, इंशाल्लाह रास्ते में रहेंगे।